नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 7 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। छात्र संघ चुनाव के लिए थम गया चुनाव प्रचार। आज पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के मतदान होने हैं, जिसके प्रचार प्रसार का सिलसिला एक दिन पहले ही रोक दिया गया था, जिसके पश्चात पटना के डीएम कुमार रवि ने स्मरणालय में बैठक भी की है, जहां पर उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में मतदान और मतगणना को लेकर विधि व्यवस्था और अन्य तैयारियों की समीक्षा भी की। साथ ही साथ चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे शेखर सुमन की। टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले शेखर सुमन का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 7 दिसंबर 1962 में हुआ था। वैसे शेखर एक गायक और निर्देशक भी हैं। इसके अलावा शेखर सुमन को कई कॉमेडी शोज को जज करते भी देखा गया है। हालांकि शेखर सुमन का फिल्मी करियर चंद लम्हों का मेहमान ही बनकर रह गया, लेकिन उन्हें उनकी एक फिल्म एक राजा एक रानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस आशीर्वाद अवार्ड से नवाजा गया था। नवादा के सूर्य मंदिर हंडिया में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नवादा जिले के हंडिया का यह सूर्य मंदिर बिहार के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध 4 सूर्य मंदिरों में से एक है तथा पौराणिक व ऐतिहासिक सूर्य मंदिरों में शुमार है। हंडिया गांव स्थित यह सूर्य नारायण मंदिर द्वापर कालीन बताई जाती है। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मगध सम्राट जरासंध का इन क्षेत्रों में साम्राज्य था। कहा जाता है कि जरासंध की पुत्री धन्यावती यहां तालाब में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करती थी। सूर्योपासना को ले बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना करने आते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुरादें यहां पूरी होती है। कोई भी याचक यहां से खाली हाथ वापस नहीं लौटता। गुरु नानक जी के 550वें प्रकाश पर्व पर राजगीर में होगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। जल्द ही गुरु नानक जी के 550वें प्रकाश पर्व का शुभ अवसर आने वाला है, जिसकी तैयारी हर तरफ जोर शोर से की जा रही है। इसी शुभ उपलक्ष पर राजगीर में ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत राजगीर के शीतल कुंड गुरुद्वारा में सिख श्रद्धालुओं के लिए 27 से 29 दिसंबर तक कुछ खास व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके अलावा इस शुभ अवसर पर राजगीर में कई सिख श्रद्धालुओं का आगमन भी देखने को मिलेगा। सिवान में मेडिकल कॉलेज बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। जल जीवन हरियाली योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सिवान दौरे पर है, जहां पर उन्होंने अपने तीसरे दिन की यात्रा पर सिवान के भगवानपुर क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिसके तहत उन्होंने कुल 324 करोड़ की लागत की 354 योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान में मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन नहीं मिलती है तो हम इस मेडिकल कॉलेज के लिए सरकारी जमीन मुहैया करवाएंगे। आनंद कुमार ने अपने ब्रेक की खबरों को किया स्वीकार। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने आखिरकार मीडिया द्वारा लगाई जा रही अटकलों पर सहमति दे दी है। उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से यह ऐलान किया है कि वो बतौर संस्थापक सुपर 30 संस्थान से एक साल के लिए ब्रेक ले रहे हैं। पिछले 18 साल से चलते आ रहे इस संस्थान को अब और ज्यादा विस्तार करने का समय आ गया है। इस संस्थान पर फिल्म बनने के बाद मेरी उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए अब बड़े पैमाने पर मैं कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं, जिसकी घोषणा मैं अगले साल करूंगा। इनकम टैक्स मामले में नीचे खिसका बिहार। बिहार टैक्स अदा करने के मामले में काफी नीचे की ओर खिसक गया है। जिस टैक्स की मदद से राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रदेश समेत पूरे देश में विकास का काम करती है, उसी टैक्स का भुगतान अब आम जनता समय पर और सही ढंग से नहीं कर रही है। ऑल इंडिया टैक्स की ग्रोथ रेट 18% तय की गई थी, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह ग्रोथ रेट 5% तय की गई थी, मगर बिहार में टैक्स भुगतान की सीमा 5% के मापदंड को भी नहीं छू पा रही है। ऐसे में सरकार के लिए अब यह एक चिंता का विषय बन गया है। बढ़ते प्याज की कीमत पर सियासी सरगर्मी भी हुई तेज। बिहार में हर कोई इस वक्त प्याज के दाम से परेशान दिख रहा है। हालत कुछ यूं है कि आम जनजीवन काफी सोच विचार के प्याज का सेवन कर रहा है। इसी बीच प्याज का मुद्दा राजनीति में भी जोर पकड़े हुए है, यहां तक कि संसद में भी प्याज का मुद्दा सर्वोपरि रहा है। वहीं इसी बीच जा प्रमुख पप्पू यादव इन दिनों आधे दाम में लोगों को प्याज मुहैया करवा रहे हैं, जिस पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा ने इसे पप्पू यादव की नौटंकी बताया है। रक्सौल स्टेशन पर अब देखने को मिलेगा डिजिटल म्यूजियम। रक्सौल स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। ए ग्रेड श्रेणी का यह स्टेशन अब बदला बदला सा नजर आने वाला है। ज्ञात हो जल्द ही रक्सौल स्टेशन पर डिजिटल म्यूजियम लगने जा रहा है, जिसकी कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, रेलवे विभाग ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण यह फैसला सुनाया है, जिसके लिए रेलवे विभाग ने समस्तीपुर मंडल के DCM को इस बाबत पत्र लिखकर सारी जानकारी दे दी है। शिवांगी के घर वापसी पर सम्मानित करेगा पूर्व सैनिक संघ। देश की पहली नौसेना पायलट बनी बिहार की शिवांगी ने अपने परिवार के साथ साथ समूचे बिहार का नाम राष्ट्रीय मंच पर गर्वान्वित किया है। इसी के मद्देनजर अब पूर्व सैनिक संघ जल्द ही शिवांगी के वापसी पर उसे सम्मानित करने की योजना बना रहा है। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह ने कहा है कि हम इस दिन को यादगार बनाने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन करेंगे, जहां पर जिले के सभी गणमान्य के अलावा जिला प्रशासन और सेना से जुड़े सैनिक मौजूद रहेंगे।
वाल्मीकि पार्क में पर्यटकों के लिए किए गए विशेष इंतजाम। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए कई विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत पार्क में आए सभी पर्यटकों को इस क्षेत्र की तराई इलाकों में रहने वाले आदिवासियों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आयोजित कार्यक्रम में आपको आदिवासी संस्कृति का लगभग 2 घंटे का नृत्य देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत झमटा और डंडिया नृत्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जल जीवन हरियाली यात्रा के पहले चरण के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं का शिलान्यास करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई जगहों पर सभा को संबोधित करने के दौरान बिहार के विकास के मुद्दे पर बातचीत करते भी दिखाई दिए हैं। उनका कहना है कि बिहार अभी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां धीरे धीरे ही सही मगर बिहार में न्याय के साथ साथ विकास हो रहा है। बोधगया पहुंचे गगन मलिक। विश्व शांति के अवसर पर मशहूर टीवी सितारा और मॉडल गगन मलिक बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में 100 कांस्य मूर्तियों का वितरण किया है। मगर गगन मलिक की योजना के अनुसार अभी भारत के अलग अलग हिस्सों में 8400 मूर्तियों का वितरण किया जाना है, जिसके लिए उनका सहयोग थाईलैंड के श्रद्धालु ने खुलकर किया है। नारी सुरक्षा दिवस मनाए जाने की उठी मांग। जदयू सांसद कहकांशा परवीन ने शून्यकाल के दौरान संसद में नारी दिवस मनाने की मांग पर जोर दिया है। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने की अपील भरी संसद में की है। उन्होंने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा है कि महिलाओं को हमारे शास्त्रों में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और देश में उनका सम्मान करने की परंपरा रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए रोसड़ा के युवाओं ने की नई पहल। पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए रोसड़ा के युवाओं ने एक बड़ा और नेक कदम उठाया है, जिसका जुड़ाव नारी सशक्तिकरण से भी है। रोसड़ा के युवाओं ने हर घर पहुंचकर फलदार पौधारोपण का अभियान चलाया है, जिसका नामकरण घर की मौजूदा बेटी के नाम पर करते हैं। आपको बता दें, रोसड़ा के इन युवाओं ने इस अभियान की शुरुआत 5 महीने पहले ही की थी, जिसके तहत अब समूचे रोसड़ा में सैकड़ों पेड़ लगाने का काम हो चुका है। मोतिहारी दौरे पर जल्द आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जल्द ही बिहार के मोतिहारी जिले के दौरे पर आने वाले हैं। उनका यह दौरा महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होने के कारण है। हालांकि अभी उनके आगमन की तारीख पर मुहर नहीं लगाई गई है। ज्ञात हो, रामनाथ कोविंद ने आगमन की बात की पुष्टि महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने की। उन्होंने मीडिया को अपने दिए एक साक्षात्कार में यह कहा है कि दीक्षा समारोह का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। राष्ट्रपति स्वयं इस समारोह का हिस्सा बनकर केवीवी के निर्माण का आधारशिला भी रखेंगे। प्याज की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए BAU ने बनाया एक नया घोल। प्याज के खेतों में अक्सर निकोनी खरपतवार को उपजते देखा जाता है, जिससे कि अब छुटकारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। BAU के छात्रों ने प्याज के खेतों में निकलने वाले निकोनी खरपतवार से छुटकारा दिलवाने के लिए एक नई तकनीक को विकसित किया है। इस नए तकनीक से 2 रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिसके छिड़काव से खरपतवार का सफाया हो जाता है। आपको बता दें देश में यह अपनी तरह की पहली तकनीक है। पैक्स चुनाव के पहले चरण के मतदान होंगे 9 दिसंबर को। आगामी पैक्स चुनाव की सारी तैयारियां हो चुकी है, जिसके तहत अब मतदान की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसके अनुसार पहले चरण का यह मतदान 9 दिसंबर को किया जाएगा। चुनाव के मद्देनजर आज इन 4 प्रखंड मुशहरी, बंदरा, मुरौल और सकरा में मतदान के लिए पोलिंग पार्टी प्रखंड मुख्यालय की ओर रवाना होगी। इसके अलावा पहले चरण के इस चुनाव के लिए प्रशासनिक तौर पर भी सारी तैयारी कर ली गई है, साथ ही साथ विधि व्यवस्था पर भी खास ध्यान रखा गया है। भागलपुर महोत्सव के पहले दिन गूंजेगी तोरसा की आवाज। 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव का शुभारंभ 11 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम का समापन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे करेंगे। आयोजित इस महोत्सव में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ मशहूर गायिका तोरसा के गानों से किया जाएगा। सेना बहाली प्रक्रिया में 9वें दिन भी दिखा युवाओं का जोश। सेना बहाली प्रक्रिया के 9वें दिन भी युवाओं का जोश देखने लायक रहा, जहां पर अलग अलग जिलों से आए लगभग 2832 युवाओं ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें कि 240 युवाओं ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा से इन पदों के लिए अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी मेडिकल जांच की प्रक्रिया आज यानी कि 7 दिसंबर को चक्कर मैदान में की जाएगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,300 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,300 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 47,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.69 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.16 रुपए प्रति लीटर था।
अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं दिन ढलते ढलते आपको ठंड का असर भी दिखने लगेगा। मिलिंद सोमन की पत्नी ने उन्हें दोबारा दिया शादी का प्रपोजल। भारत के मशहूर और फिट मॉडलों में गिने जाने वाले मिलिंद सोमन इस उम्र में भी अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए काफी मशहूर हैं। हाल ही में मिलिंद ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से अपनी एक बेहद ही पुरानी तस्वीर शेयर की है। यह तस्वीर मिलिंद की तब की है जब वो 38 साल के थे, जिसको देखने के बाद उनकी पत्नी अंकिता ने उनसे दोबारा शादी करने का प्रस्ताव रखा है। ऋषभ पंत पर कोहली ने किया रोहित की बातों का समर्थन। खराब बल्लेबाजी और कीपरिंग के कारण दबाव और आलोचनाओं को झेल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने समर्थन किया है और कहा है कि टीम को उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और भारतीय टीम प्रबंधन पंत को पूरा समर्थन दे रही है। मैच के एक दिन पहले कोहली ने संवाददाताओं सम्मेलन में कहा, जैसा रोहित ने हाल ही में कहा था, उन्हें अकेला छोड़ने की जरूरत है। एक बार वह लय में आ जाएंगे तो आप उनका अलग रूप देखेंगे। उन्हें यह कहकर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता कि वह अच्छा नहीं कर रहे हैं। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक अब 9 दिसंबर को। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन 9 दिसंबर को पटना के होटल मौर्या में आयोजित किया गया है, जिसके पश्चात 10 दिसंबर को राजद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का भी आयोजन किया गया है, जहां पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक के साथ साथ 11वां खुला अधिवेशन भी किया जाएगा। ज्ञात हो राजद पार्टी द्वारा इन दोनों कार्यक्रम को आयोजन पटना के बापू सभागार में किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। गिव अवे 6 के लिए हमारे पूछे गए सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके बताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर अभी भी हमारे द्वारा सेट किए गए क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया जा सका है, मगर निराश होने की जरूरत नहीं है। गिव अवे 6 का ब्लूटूथ स्पीकर आप अभी भी जीत सकते हैं। बस आप हमारे पिछले वीडियो को 5500 लाइक्स के क्राइटेरिया तक पहुंचाना है और सवाल का जवाब कमेंट करके देना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।